दोस्तों, जैसे सभी को पता है निक वॉकर के फेवरेट बॉडी बिल्डर जय कटलर है एंड मुझे दोनों काफी हद तक सेम भी लगते हैं बिकॉज जब वो मोस्ट मस्कुलर पोज को हिट करते हैं उनका फेस कट काफी हद तक मुझे सिमिलर लगता है एंड सेम एग्रेशन दोनों के फेस पे दिखता है। दोस्तों, जय कटलर ओलंपिया में 6 times रनर अप रह चुके हैं एंड 4 बार उन्होंने ओवरऑल ओलंपिया जीता है, मतलब ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है बिकॉज 10 बार वो ओलंपिया में top 2 में रहे। जय कटलर 2011 में फिलिथ के साथ हारे थे बट उन्होंने उसके बाद भी 2012 और 2013 में कम्पीट किया था। बट आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग में एज फैक्टर मैटर करता है, एक पर्टिकुलर एज के बाद बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो 2013 के बाद उन्होंने ऑफिशियल रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने अब तक कम्पीट नहीं करा और उसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस पे फोकस करा, जस्ट लाइक उनका जय कटलर न्यूट्रिशन नाम से एक कंपनी है जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर उनके बॉडी बिल्डिंग करियर की बात करो देन दोस्तों, उनकी जो आर्म्स की साइज है वो 21 inches रही थी और उन्होंने ये भी बताया कि जो उनका मैक्सिमम स्टेज वेट रहा था वो 260 lbs था, मतलब उसके आगे उन्होंने कभी कम्पीट ही नहीं किया बट वो ऑफ सीजन में 291 lbs तक भी जा चुके थे। तो इसे पता चलता है कि कितने कम वेट पे वो इतना ह्यूज मसल मास कैरी करते थे। अगर मैं निक वॉकर की बात करूं देन 2021 में उनका नाम काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बिकॉज उन्होंने 21 साल में न्यूयॉर्क प्रो जीता था, उन्होंने अर्नॉल्ड क्लासिक जीता था एंड जब ओलंपिया में डेब्यू करा था उसी साल तब उन्होंने 5th position सिक्योर करी थी। तो ये एक रिकॉर्ड करके उन्होंने दिखाया बिकॉज 21 साल में लगातार शोज खेलने के बाद आप इतनी सारी इंप्रूवमेंट्स करते हो, इतनी सारी पोजिशंस अपर प्लेसेस आप अचीव करते हो, सो इट्स एन अचीवमेंट। निक वॉकर का जो बॉडी बिल्डिंग प्रोटोकॉल होता है वो बॉडी रिकम्पोजिशन का ज़्यादा होता है, वो बॉडी रिकम्पोजिशन पे फोकस करते हैं, मतलब वो साइमल्टेनियसली बॉडी का फैट परसेंटेज ड्रॉप करते हैं एंड मसल मास गेन करते हैं। तो जय कटलर को भी पता है कि निक वॉकर उनका कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो जय कटलर ने कुछ बातें कही थी निक वॉकर के बारे में, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर को बिल्ड करा है, जिस तरीके से उन्होंने करियर में एंट्री ली है, उनको अभी बहुत आगे जाना है बॉडी बिल्डिंग में और बहुत सारे बड़े टाइटल्स उनको अचीव करना है। वो कहते हैं कि निक वॉकर की कंडीशन कुछ ऐसी है कि वो उस कंडीशन से किसी भी एथलीट को हरा सकते हैं बिकॉज हिज टॉप नॉच कंडीशन एंड जब वो स्टेज पे कंडीशन लेके स्टेप करते हैं वो सारे बॉडी बिल्डर से अलग स्टैंड करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मियम के वे प्रोटीन के बारे में बताने वाला हूँ कि क्यों ये प्रोटीन इंडिया के सारे वे प्रोटीन से अलग स्टैंड करता है। बिकॉज सबसे पहले शुगर फ्री है एंड सेकंड थिंग ये ग्लूटेन फ्री है, मतलब आपको कभी भी ब्लोटिंग एंड डायरिया का इशू नहीं होगा, ये आपके गट की अच्छी तरीके से केयर करता है। थर्ड थिंग इज इसमें एमिनो पेप्टाइड्स एंड 3 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले गए जिसकी वजह से जितना प्रोटीन आप पीते हैं उसमें से मैक्सिमम प्रोटीन बॉडी मसल बिल्डिंग के लिए यूज़ करती है एंड डाइजेशन फास्ट हो जाता है। फोर्थ थिंग इज इसमें आइसोलेट प्रोटीन है जो कि सीरियस वंस एंड एथलीट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है बिकॉज उनको क्लीन प्रोटीन का इंटेक करना होता है। फिफ्थ थिंग इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जस्ट लाइक ओट्स जो कि स्लोली डाइजेस्ट होते हैं बट काफ़ी लंबे टाइम के लिए बॉडी को एनर्जी एंड फुलनेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही स्कूप में, एक ही प्रोटीन में आपको सिर्फ यही ब्रांड में मिलेंगी, दैट्स वाई ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन इज यूनिक ब्रांड। तो जस्ट आप जाओ वेबसाइट पे, बाय करो एंड मेरा कूपन कोड यूज़ करो ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। अगर कुछ डाउट है देन कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना। सो चलिए डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय कटलर का ये मानना है कि निक वॉकर के पास और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ है जो कि बाकी के बॉडी बिल्डर के साथ लैक करती है, जैसे कि निक वॉकर के पास ह्यूज सेल्फ कॉन्फिडेंस है बिकॉज जब वो स्टेज पे स्टेप करते हैं वो एक पॉजिटिव स्माइल के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टेप करते हैं, वही चीज़ जेरेस को अट्रैक्ट करती है एंड उनकी फिजिक एंड उनकी कंडीशन तो टॉप नॉच रहती है। तो ये सारी चीज़ों का निक वॉकर को आगे जाके फायदा होने वाला है। आगे जाके जय कटलर ने यह भी कहा है कि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि निक वॉकर के पास एक बेस्ट स्ट्रक्चर नहीं है, जेनेटिकली गिफ्टेड, बट जय कटलर का यह मानना है कि निक वॉकर के पास कंडीशन है और जब वो फ्रंट डबल बाइसेप हिट करते कोई भी बॉडी बिल्डर उनके साथ स्टैंड नहीं कर सकता। जय कटलर ने एक बात शेयर करी थी कि वो सबसे पहले सेकंड आए थे ओलंपिया में, तब उनकी एज 27 थी, तो उनको लगा था कि अगले साल में ओलंपिया जीत जाऊंगा बट उनको अगले 4-5 सालों तक रॉनी कोलमन को फेस करना पड़ा था। तो वो ये मानते हैं कि निक वॉकर का पोटेंशियल भी ज़्यादा है, उनमें कंडीशन भी अच्छी है और उनको रॉनी कोलमन जैसे बॉडी बिल्डर को भी फेस नहीं करना, तो उनका फ्यूचर ब्राइट है एंड वो जल्दी ही ओलंपिया का सैंडो जीत सकते हैं। और लास्ट में जब जय कटलर को पूछा गया निक वॉकर एंड हंटर लबरेला के कंपैरिजन के बारे में, तब जय कटलर ने दोनों ही बॉडी बिल्डर को एक स्वीट गेस्चर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं निक वॉकर का सबसे अच्छा दोस्त हूँ तो मैं डेफिनेटली निक वॉकर की तरफ जाऊँगा, बट अगर फिजिक की बात होती है देन हंटर लबरेला की फिजिक भी टॉप नॉच है और दोनों ही 2021 ओलंपिया में टॉप 5 में आए थे, तो दोनों का फ्यूचर बॉडी बिल्डिंग में अच्छा है।
सो गाइस, जे कटलर का एरा बॉडी बिल्डिंग का कम्प्लीटली बहुत अलग था और निक वॉकर का एरा कम्प्लीटली अलग है, बट दोनों बॉडी बिल्डर एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और यही चीज़ मुझे बॉडी बिल्डिंग से सीखने मिलती है और यही चीज़ मैं आपको भी शो करना चाहूँगा। और ये सारी बातें जे कटलर ने कही थी निक वॉकर के बारे में, एंड निक वॉकर ने भी कभी बुरा नहीं कहा जे कटलर के बारे में। सो ये दो एराज के बीच का जो रिस्पेक्ट है, जो उनका प्यार है, मुझे बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छा लगता है और यही चीज़ बरकरार रहनी चाहिए बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, ताकि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री हमेशा पॉजिटिव बने रहे। तो ये कंटेंट आपको कैसा लगा, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसमें मैं काम करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून एंड लव यू ऑल।